हेलो दोस्तों, दिस इज रमी राइडर फ्रॉम एनसीआर मोटरसाइकिल। दोस्तों आज की जो वीडियो है दोबारा क्रैंक साउंड के ऊपर है। अब आप लोग बोल रहे होंगे यार एक वीडियो, दो वीडियो, तीन वीडियो, चार वीडियो, कितने वीडियो डालेगा भाई क्रैंक की। दोस्तों क्रैंक की वीडियो क्यों डाल रहा हूँ मैं? दोस्तों इसलिए डाल रहा हूँ ताकि आप बच सकें नुकसान होने से, इंजन खुलने से, क्रैंक की आवाज़ आने से। आप नोटिस करिए जितनी भी क्रैंक की वीडियो डालिए हर बार टॉपिक अलग होता है, मतलब वजह अलग होती है क्यों क्रैंक आवाज़ आई। दोस्तों मैं बता रहा हूँ आपको एक चीज़ कि एक कमी की वजह से दूसरी चीज़ ख़राब नहीं होती, एक चीज़ ख़राब होने के लिए कई कमियाँ होती हैं। तो हर वीडियो में अलग है, इसको लेके कुछ अलग है, इसकी कमी कुछ अलग है, यूनिक है। इसमें बाइक की कमी नहीं थी, कस्टमर की कमी नहीं थी, तेल की कमी नहीं थी, किसी की कमी नहीं थी। तो कमी किसकी थी वो पता चलेगा वीडियो के एंड में। पहले देखिए कितनी बुरी तरह इसके बर्तन आवाज़ कर रहे हैं, मतलब ऐसा लग रहा है कि उतने मियाँ बीवी की लड़ाई और बर्तन फेंक फेंक के मारते हैं, ठणान ठणन ठण ठुण, ऐसी ऐसी आवाज़ आ रही है इसके अंदर। मज़ा आ रहा है सुनने में, भी मज़ा आ रहा है। तो चलिए पहले इसकी आवाज़ सुनाता हूँ, बाइक में दिखाता हूँ क्या काम हुआ है, कैसे, उसके बाद कंप्लीट बात कैसे साउंड है और ये आवाज़ आई क्यों। जब बाइक में कोई कमी नहीं थी, जब क्लाइंट के अंदर कोई कमी नहीं थी, ऑयल के अंदर कोई कमी नहीं थी, सर्विसिंग को लेके रिकॉर्ड में कोई कमी नहीं थी, तो क्यों आई? चलिए पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं और बाद में बताता हूँ ये कमी क्यों आई। तो दोस्तों ये रही हमारी बाइक खड़ी हुई, मैं आपको सबसे पहले इसकी आवाज़ सुनाता हूँ कि कैसी साउंड है इंजन की, कितने इसके बर्तन बजे हुए, सब आपको पता चल जाएगा। फिर बताता हूँ किस चीज़ की आवाज़ है। कच 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 वही आवाज़ है, बट इसकी एक ही आवाज़ और है। आ रही है आप लोगों का आवाज़? यहाँ मैं एक चीज़ और चेक कराऊंगा आपको, मैं पहले गियर चेंज करता हूँ इसके, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब मैं थर्ड गियर डाल दिया इसका और अब इसके नॉकिंग की आवाज़ सुनेगा, मैं हल्के से ब्रेक दबाऊंगा। क्योंकि जैसे चलती का बाइक पे अगर हम किसी हाई गियर पे उठाते हैं तो इंजन पे लोड पड़ता है, वही चीज़ अभी ब्रेक के साथ हो रही है। ये चीज़ आप ट्राई मत करिएगा, ये तो मैं खाली आपको बता रहा हूँ कि नॉकिंग कितनी कर रही है गाड़ी। तो बेसिकली इसकी भी क्रैंक के साउंड है और क्यों आई वो मैं बताऊंगा वीडियो के एंड में। पहले खोल के दिखाता हूँ आपको इसका पूरा इंजन कि क्रैंक आवाज़ कर रही है, कैसे कर रही है, वो तो आप जानते हैं। तो बस बिना देरी के फास्ट फॉरवर्ड में इसका इंजन खोलते हैं और बताऊंगा कि क्यों वो आई आवाज़। क्योंकि बाइक अभी तक आपको दिखाऊंगा, अभी 27,600 किलोमीटर चली है बस अभी तक। तो चलिए बिना देरी के इसका इंजन खोलते हैं पूरा। तो दोस्तों इंजन पूरा खुल चुका है, लेकिन आपको दिखाता हूँ इसकी क्रैंक बारीकी से दिखाता हूँ। सुनिए इसकी आवाज़ ना लूज़ हो गई, हर बार मैं ऐसे चेक कराता हूँ और इसको देखिए कितनी प्ले। देखिए एक होता है अगर सीधी सीधी साइड पर जाए तो इससे कोई इश्यू नहीं होता, बट इसमें प्ले ये वाली भी देखिए, देखिए बिल्कुल ही ख़त्म है क्रैंक। एक गाना गा रही है, आई एम ए डिस्को डांसर। तो इसकी क्रैंक रिपेयर होने देते हैं। अगर आपको देखने कैसे क्रैंक रिपेयर होती है तो वही वीडियो, तो इससे पहले जो इंजन की हुई थी वो यहाँ पे लिंक आ रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं।
तो अब इसमें हम बेसिकली काम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले तो इसका इंजन पूरा वॉश कर रहे हैं, सामान सारा वॉश होगा, हेड के वाल खोल के हेड के वाल की गाइडें भी करवा रहे हैं, हेड के वाल भी खोल लेते हैं, और इसका हम पिस्टन चेंज नहीं कर रहे हैं, सिलेंडर की चेंज नहीं कर रहे हैं, बाकी अभी और देखते हैं चेक करके कितना लूज है, अभी तक पिस्टन के सही है, कोई दिक्कत नहीं, खाली रिंग डाल के काम हो जाएगा। तो बस इसका सामान वॉश करते हैं, एक बार सिलेंडर भी वॉश करते हैं और पिस्टन भी वॉश करते हैं, एक बार देखते हैं कि कितना लूज है, अभी तक जो निकला है ठीक लग रहा है, बाकी देखते हैं। चलिए इसका सामान सारा वॉश करते हैं बिना देरी करिए, और इसको लेथ वर्क पे देते हैं और हेड खोल के हेड देते हैं लेथ वर्क पे। तो हेड अब भी हमारा खुल गया है, मैं आपको दिखाता हूँ। बेसिकली देखिए हेड की वाइल गाइड भी कटी हुई है, जिसकी वजह से ये ऑयल आ रहा है इसके ऊपर ना, वाल ये वाला टूज है, ये भी लूज है, तो उसकी गाइडें चेंज होंगी ये, और ये हम लेथ वर्क पे भेजते हैं, आते ही मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ और इतने इंजन वगैरह वॉश कर लेते हैं टोटली सामान। तो दोस्तों सारा सामान वगैरह वॉश हो गया है, मेन चैम्बर वगैरह सब कुछ देख सकते हैं पूरा वॉश हो गया है, और सारे सामान क्रैंक रिपेयर होकर आ चुकी है, मैं दिखाता हूँ। और अब बात है इसमें क्या क्या हम चेंज कर रहे हैं दोस्तों, इसका एक तो मेन बेयरिंग सेट डाल रहे हैं, अभी मैं निकालूंगा ये, तो आपको इसलिए बता रहा हूँ, फास्ट फॉरवर्ड में आपको पता नहीं चल पाएगा इतना। तो ये मेन बेयरिंग सेट डाल रहे हैं, इसके मैंने हाइड्रोलिक निकाल लिए हैं, देख सकते हैं यहाँ हाइड्रोलिक लगते हैं, वो निकाल लिए हैं मैंने, तो हाइड्रोलिक चेंज होंगे, दिखाता हूँ मैं आपको। दोस्तों ये है इसके मेन बेयरिंग सेट, डिस्प्ले लिस्ट आप देख सकते हैं इंजन बेयरिंग सेट पे, 1270 रुपये की है। मैं इसमें ऑयल पंप चेंज कर रहा हूँ, BS4 वाला, ठीक है दोस्तों, इसका निकाल लेंगे अभी, इसमें जो ये वाला पंप लगा हुआ है ये निकाल लेंगे हम, BS4 का पंप डालेंगे इसके अंदर। और इसमें दोनों हाइड्रोलिक चेंज कर रहे हैं, 815 रुपये का एक है, तो दो हाइड्रोलिक चेंज कर रहे हैं, और पिस्टन की खाली रिंगें चेंज कर रहे हैं, ठीक, बाकी पैकिंग किट सील वगैरह तो सब लगेगी वो अलग चीज़ है, तो वो सब तो बात की बात है, मतलब पैकिंग सील तो लगनी है, ये पार्ट डल रहे हैं। अगर इसकी बात करें क्लच की, तो क्लच प्लेटें बिल्कुल सही हैं इसकी, जली हुई नहीं है प्लेटें, सही हैं, तो इसलिए हम क्लच प्लेट नहीं चेंज कर रहे हैं, और बाकी सामान सारा ओके है। क्रैंक दिखाता हूँ मैं, क्रैंक में क्या क्या काम हुआ है। तो दोस्तों ये आ गई क्रैंक, और क्रैंक में इसमें असेंबली पूरी नई डली है, ये पूरी असेंबली नई डली में डली है इसमें, कनेक्टिंग रॉड पिन बैरिंग सब कुछ डला है। तो बस अब इसमें फिट करते हैं, मैं मेन बैरिंग वगैरह सब कुछ फिट करता हूँ और बांधते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं पूरा इंजन कंप्लीट हो चुका है, जैसा हर वीडियो में बताता हूँ, आरएच कवर जब लगेगा, जब यहाँ से इंजन चढ़ जाएगा कंप्लीट होके और चैन वगैरह लग जाएगी, उसके बाद आरएच कवर फिट होगा। चलिए बाइक में फिट करते हैं इंजन को और आपके उसके साउंड सुनाता हूँ। तो दोस्तों देख सकते हैं बाइक पूरी कंप्लीट हो चुकी है, बस की वॉशिंग रह गई है, अब बाइक स्टार्ट करनी है,
ऑयल वगैरह सब कुछ डाल दिया है। चलिए इसको स्टार्ट करके इसकी साउंड सुनाता हूँ मैं आपको। तो देखा दोस्तों आपने, बाइक पूरी सही हो चुकी है, इसकी ओरिजिनल आवाज़ हो चुकी है जो इसकी ओरिजिनल आवाज़ होती है क्लासिक की। अब बात करते हैं क्यों हुआ, मेन बात है हमारे कि क्यों हुआ। इस वीडियो को बनाने का मकसद यह था कि वजह पता चले ताकि आप बच सकें। दोस्तों लास्ट सर्विस जो ये सर्विस सेंटर में हुई है कि कहीं पर जैसा बताया, वहाँ पर सर्विस सेंटर वालों ने इसके जो भी है ऑयल बोल्ट ढीले छोड़ दिए। ये जा रहे थे चल चलते, आज कुछ दिन बाद वो बोल्ट खुल गया, जो मेन बोल्ट है 18 नंबर का वो खुला, सारा ऑयल ड्रेन होके टायर के ऊपर आया। इनकी बाइक स्कीट हुई, ये भी गिरे, वो तो अच्छी बात है, चोट वोट नहीं आई इनके बाइक पे, थोड़ी बहुत स्क्रैचेज आई तो चोट लग गई। वहाँ पे क्या हुआ, गिर गए तो इतनी जल्दी तो एक क्रैंक आवाज़ करेगी नहीं। उसके बाद इन्होंने क्या करा, वहाँ से बाइक लोगों ने उठाई, जो ये बता रहा है इन्होंने, उठा के साइड में लेके गए। ऑयल सारा निकल चुका था, सारा ड्रेन हो चुका था, तो वहाँ किसी को मैकेनिक को बुलाया, उसने कोई बोर्ड लगाया जुगाड़ करके, उसके बाद वहाँ पे नियर बाई जो पेट्रोल पम्प था वहाँ से ऑयल लेके डाला गया। इन्होंने बताया नहीं, कह रहे मैं इतना मतलब सदमे में था, थे क्या थे उनको पता नहीं चला कौन सा ऑयल डाला है, पता नहीं किसने डाला। उसके बाद से इसके तो बर्तन बज गए, जैसे बताया ना अभी मियाँ बीबी की लड़ाई होती है टन 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 ऐसी आवाज़। तो बस आपको अब यही ध्यान रखना है कि जब भी सर्विस करें तो एक बार आप ज़रूर देखें कि कहाँ सर्विस करा रहे हैं, अपने सामने कराइए ज़्यादा अच्छा रहेगा, नहीं तो ऐसे भरोसे वगैरह जगह कराइए जहाँ पे सही काम होता है। और अगर मेरे मैकेनिक भाई देख रहे हैं, सर्विस सेंटर वाले देख रहे हैं, तो एक चीज़ बताऊंगा दोस्तों, जो हमारा मैकेनिक का जो एक हेड है, जैसे शॉप पे मैं रहता हूँ, पापा के बाद मैं रहता हूँ, पापा के बाद जैसे मैं रहता हूँ, लड़के कितने भी काम कर लें तो फाइनल टेस्ट जो है वो मैं करता हूँ। ऐसी हर एक जगह होता है, मैं ये नहीं कह रहा हमारे पास हर एक जगह होता है, तो उन भाइयों से रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज़ एक बार ज़रूर चेक करिए, जान के साथ कुछ भी हो सकता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, इंतजार करिए नए वीडियोस का, मिलते हैं बहुत जल्दी नए वीडियोस के साथ। जब तक बी सेफ, राइड सेफ, ड्राइव सेफ। अब कर देना जब हो जाए, हो गया तो देख ये कट कर देना बात नहीं, ये भी नहीं। तो बस आपको ले, हेलो दोस्तों, दिस इज रमेश। जो उतरी है कहाँ चढ़े हैं, बी सेफ, राइड पे करना चालू, इधर करा फिर इधर करा।